अपने पुत्रों को उपदेश प्रदान किया है ऋषभदेव जी ने, और फिर संन्यास ग्रहण किया। राजा बना दिया भरत को। उसके बाद भरत जी ने भी कुछ दिन राज्य काज किया, फिर अपने बेटे को राज दे करके उन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया, और वे जंगल में एक नदी के किनारे तपस्या करने लगे भरत जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, जलाशय, पहले दिन मैंने कहा था कि जलाशय के किनारे तपस्या करने से तपस्या का फल सैकड़ों गुना हो जाता है। तो एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक घटना घटित हो गई, एक हिरणी उस नदी को पार करते समय उसका बच्चा गर्भ से गिर गया और वो तो भाग गई किसी भय की आशंका से। और ये उस दृश्य को देख रहे थे तो वो बच्चा जो अब तड़फ रहा था पानी में, उसे बचाने के लिए चले गए, क्योंकि दयाविन संत कसाई, दयाविन संत कसाई, पर दया करी तो आफत आई। दया करने चले गए और पता है उस बच्चे को निकाल लिया। अब बच्चा भूखा था तो उसके भोजन की व्यवस्था करने लगे, घास वगैरह। अब तो इन्हीं के गले मर गया वो। पालतू हो गया, अब बाकी लें घास की व्यवस्था करें, रहवे की व्यवस्था करें, ठंड से बचावे की व्यवस्था करें। अब भजन तो छूटन लगे हो है। भजन छूटने लग गया और उसमें आसक्ति बढ़ती चली गई, और इतनी आसक्ति हो गई अब तो बस उसी का चिंतन हो। जब भी भजन करवे बैठे भगवान नहीं आवे ध्यान में, को आवे हिरण को बच्चा है, अब तो वही घूम रहो भीतर। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणों का टोल आया और उस टोल को जब उस हिरण के बच्चे ने देखा कि अरे हमारी बिरादरी के तो वहां छलांग लगा रहे, मैं जब बाबा के चक्कर में फंसे हूं है, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे तो अपनी बिरादरी में जाना चाहिए। उसने छलांग लगाई और उनके टोल में उसके साथ चला गया। अब क्या हुआ, इन्होंने ये कहीं गए थे इधर उधर, तो झोंपड़ी पर जब आए तो बच्चा नहीं दिखा, तो रोने लगे कि बच्चा कहां गया, पता नहीं कोई सुई शेर ले गो के चीतो ले गो के जनकंग का भयो, रोने लगे। और भागवत तो ऐसा कहती है, इतना ज्यादा रोए, इतना ज्यादा तड़पे कि उसके चक्कर में उनके प्राण ही निकल गए। और प्राण निकलते हैं जिसका चिंतन करते करते, तो आदमी उस योनि में चला जाता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंतिम समय पर जिसका चिंतन करेगा उसी योनि में उसका शरीर उसे प्राप्त होगा। तो हिरण बन गए, भरत जी महाराज, यानी एक राजा थे,
इंसान में भी राजा बने, राजा में भी साधु बने, लेकिन एक जगह पांव फिसल गया तो फिर न राजा रहे न साधु रहे न इंसान तक न रहे, पशु बन गए। कितना पतन हुआ, कितनी ऊंचाई से कितनी नीचाई पर चले गए। हिरण का जन्म मिला, हिरण के बच्चे का, हिरण का जो जन्म था वो भी पूरा हुआ, तो फिर उन्हें दोबारा से मनुष्य का शरीर मिला एक ब्राह्मण के घर में, और उनका फिर से नाम भरत पड़ा। लेकिन उन्हें पिछले जन्म की बात याद रही कि मैं बुरी तरह से फंसा, परिवार से तो निकल गया लेकिन बाहर जाके फंस गया, लेकिन अब की बार न मैं परिवार में फंसूंगा और न ही बाहर फंसूंगा, ये निर्णय था उनका। इसलिए बचपन से ही बैरागी की तरह रहते हैं, भगवान की साधना में, भजन में, संबंधों में उनकी कोई रुचि नहीं है। आखिरकार वह साधु बने और जंगल में निवास करते हैं। एक दिन क्या हुआ, वहां से एक सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। जंगल में उसका एक कहार थक गया तो उसने कहा कि कोई यहां इधर उधर कोई घूम रहा हो तो पकड़ लिया, दूसरा लगा लो। और वहां पर भरत जी महाराज घूम रहे थे, और वो भी पागलों की तरह। उन्होंने देखा कि ये बड़ा बढ़िया हट्टा कट्टा है, पकड़ लिया, बोले चल पालकी में लगना है। पालकी में लग गए। अब और जो कहार थे उनकी चाल तो अलग थी, लेकिन इनकी चाल अलग थी। चाल में एक शब्द और जोड़ दो चलन तो अर्थ बदल जाता है, चाल चलन, चाल चलन। कहते ना बाकी चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसे ही संसारी लोगों का चाल चलन अलग होता है और महात्माओं का चाल चलन अलग होता है। अब संसारी लोगों के साथ में एक महात्मा को जोड़ दिया तो तालमेल कैसे खाएगा, दोनों के चाल चलन अलग अलग है। और जब राजा रहुगण की खोपड़ी फूटी तो उसने बाहर निकल करके क्रोध किया, कुछ उल्टे सुधे वाक्य कहे। जड़ भरत जी महाराज सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। फिर जड़ भरत जी को एक मन में विचार आया कि मैंने इसे कंधा दिया है, और साधु किसी को एक बार कंधा दे दे तो फिर उसका कल्याण तो होना ही चाहिए। वैसे वो कभी बोले नहीं थे, अभी तक कोई उपदेश नहीं किया था, आज उनका पहली बार मन हुआ। और राजा रहुगण से कहा, रहुगण तुम मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम जिस पे क्रोध कर रहे हो क्या उसको जानते हो। बोले नहीं। तो जब तक सामने वाले को तुम समझ न पाओ, जान न पाओ, तब तक तुम्हारा क्रोध करने का अधिकार बनता है। राजा रहुगण ने कहा, हम तो उसको पागल समझ रहे थे, ये तो इतना लॉजिक प्रश्न कर रहा है, बड़ा युक्त प्रश्न कर रहा है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक दो बात और कहीं और सोए राजा चरणों में गिर पड़ा। महाराज आप कोई महापुरुष हैं, कोई बुद्ध पुरुष हैं,
कोई आत्मज्ञानी है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना और मुझे आप ज्ञान प्रदान करो। तब भरत जी महाराज ने रहुगण को वहां उपदेश किया है और कहा, रहु गणै तत् तपसानयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहात्वा नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै विना महत्पादरजोऽभिषेकम् विना महत्पादरजोऽभिषेकम् रहुगण चढ़ भरत जी बोल रहे हैं, रहुगण महत पाद रजो विषेकम विना महापुरुषों की चरणों की रज में स्नान किए बिना, महत पाद रजो विषेकम विना, ये जो आत्म तत्व है, ये जो परमात्म तत्व है, न तपसा याति, न तो ये तप से मिलेगा, न च इज्जया, और न ये यज्ञ से मिलेगा, निर्वपणाद गृहात वा, ये संसार के जो और जो कर्मकांड हैं और गृहस्थ के जो धर्म हैं उनसे भी ये आत्म तत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। पुण्य तो प्राप्त होगा, लेकिन पुण्य से फिर से तुम्हें भोग मिल जाएंगे, पुण्य प्राप्त करोगे फिर भोग भोग लोगे, फिर पुण्य प्राप्त करोगे करोगे फिर भोग भोग लोगे, वो चक्र बना रहेगा, लेकिन आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। रहु गणै तत् तपसानयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहात्वा नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै विना महत्पादरजो अभिषेकम्। कोई व्यक्ति हजारों जल में खड़ा रह करके तपस्या करे, उस तप से भोग तो मिल जाएंगे लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति जलाग्नि सूर्य ही सूर्य के सामने मई के महीना में यानी आषाढ़ बैसाख जेठ में और चारों तरफ आग जला करके तप करे, उस तप से भोग तो मिल सकता है लेकिन भगवान नहीं। अरे तो भगवान कैसे मिलेंगे? बोले, संतों के महापुरुषों के चरणों की रज में स्नान करने से, महत पाद रजो विषेकम, महान पुरुषों के चरणों की रज में लोटपोट होने से। तुम जो जा रहे हो उपदेश प्राप्त करने के लिए और वो भी पालकी में बैठ करके, तुम्हें जाना चाहिए नंगे पांव। बोले, क्यों?
क्योंकि संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान। और तुम मायावी संग लेके जा रहे हो और राजा का अहंकार लेके जा रहे हो, क्या हाथ लगेगा तुम्हारे? तुम्हें जाना है तो इन दोनों को त्याग करके जाइए। जैसे कल मैंने कहा था कि मंदिर में घुसने के लिए जूते चप्पल उतार करके जाना होगा, राजा रहुगण को उपदेश दिल में लगा, चरणों में गिरा, कृतार्थ हो गया, भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मैं धन्यवाद देता हूं, आपको आभार मानता हूं। और वहीं पर राजा रहुगण को उपदेश करके मुक्त कर दिया जड़ भरत जी ने। लेकिन मैं आपको एक इसकी गहराई में और ले जाना चाहता हूं। जो आत्मज्ञान आत्म तत्व न तप से मिलता है, न यज्ञ से मिलता है, न कर्मकांड से मिलता है, और न गृहस्थाश्रम के धर्मों का पालन करने से जो आत्मज्ञान नहीं मिलता, और जो यज्ञ से भी नहीं मिलता, पानी में खड़े होकर के तप करने से अथवा सूर्य को तपने से भी जो आत्मज्ञान नहीं मिलता, तो वो राजा रहुगण को कैसे मिल गया? सोचने वाली बात है ना, इसने तो इसमें से कुछ किया ही नहीं है, ये तो पालकी में बैठ करके जा रहा है, इसे कैसे मिल गया? इस बात को राजा रहुगण भी समझ नहीं पाया, क्योंकि इसे कोई संत महात्मा ही समझ सकता है। एक रहस्य की बात है, आप कहो तो खोलूं? नहीं खोलूं। इसी श्लोक में स्वयं जड़ भरत जी कह रहे हैं कि बिना महत पाद रजो विशेखम, न याति वह बिना संत महापुरुषों की चरण में चरण रज में स्नान किए बिना वो आत्मज्ञान आत्म तत्व परमात्म तत्व प्राप्त नहीं होता। रहुगण को कैसे हो गया? ये तो इस जन्म में भी किसी संत के पास गया ही नहीं। अब समझिए, ये जो राजा रहुगण है, ये पहले जन्म का वही हिरण का बच्चा है जो भरत जी की गोद में खेल करके उनके चरणों की रज में स्नान कर चुका है। ये इसका रहस्य है। इन्हीं के हाथों से प्रसाद पाया है इसने, इन्हीं के हाथों का स्पर्श पाया है भरत जी महाराज के हिरण के रूप में, इन्हीं के हाथों इसको नहलाया गया है, इसकी इनकी कृपा दृष्टि पड़ी है, इसलिए उस संत के चरण रज के स्नान का जो फल था वो आज आकर के मिला है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कर्म तुम्हारा इसी जन्म का हो, न जाने कौन से जन्म का कर्म आकर के कब फल देगा। इसे कहते हैं गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, गूढ़ है। ये राजा रहुगण पहले इनके चरणों की रज में स्नान कर चुका है, इसलिए आज इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है।